रहता है। हाँ जल्दीबाजी, हाँ जल्दीबाजी में कि मेरा काम को जल्दी कर दी, जल्दी कर दो, जल्दी कर दो, और जल्दी काम शैतान का होता है, ये बात तो आप लोग जान लीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप जल्दी काम करेंगे तो अच्छे से काम नहीं होगा, और समय दे के काम करेंगे तो फिनिशिंग दोस्तों अच्छे से मिलेगा, जितना समय देगा उतना अच्छा काम होगा। और जो भी भाई स्पेशली डेंटिंग पेंटिंग कराते हैं वो समय देंगे तो उनका गाड़ी स्पेशल रंग रूप में आ जाएंगे, सही बात है ना भाई। हाँ। और जो आपको चाहिए कलर वो कलर वाकई मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना काम करेंगे। मेरा नाम दोस्त है, तो मैं आपको जैसे छोटे छोटे ब्लॉग वीडियो बनाता है दोस्तों, तो आज स्पेशली आ गया दोस्तों अपनी कार का डेंटिंग पेंटिंग कराने के लिए स्पेशली। और फिलहाल दोस्तों जैसे कि आप लोग को बता दूँ, मैं रोज दिन का अपडेट देता हूँ दोस्तों, और मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ के बारे में आप लोग जानकारी देता हूँ। फिलहाल दोस्तों बन रहे वीडियो देखते रहिए। ये है दोस्तों मेरी कार, और इसका दोस्तों सामने में थोड़ा सा हो गया था डेंटिंग पेंटिंग, बोल तो खर्च लगा था दोस्तों, और मुझे लगता है कि उसको रिपेयर बोले तो डेंटिंग पेंटिंग की मदद से स्पेशली क्लियर करना होगा। और फिलहाल दोस्तों यहाँ पर टूट गया था हल्का सा, और फिलहाल तो इधर भी हल्का सा डेंटिंग पेंटिंग है, और इसका दोस्तों आज वर्क कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है दोस्तों, क्योंकि अपनी गाड़ी का ही वर्क कर रहा हूँ तो स्पेशली काफ़ी अच्छा लगता है। तो फिलहाल दोस्तों इसको दिखाता हूँ कैसे कर रहा हूँ इसको। तो देख रहे हो गाइस, ये मेरा बाइक आ गया, भाई देख लो यार, दशरथ भाई काम कर रहा है अपना गाड़ी का, मेहनत देख रहे हो। यहाँ पे देखो पुट्टी लगा हुआ है, अभी इसका फाइनल कलर बाकी है, देख रहे हो सामने से देखोगे तो इतना मेहनत कर रहा है ना भाई दशरथ भाई, देख सकते हो फाइनल कलर होगा उसके बाद में देखना भाई लोग। गाड़ी में इतना प्यार से रखता है ना भाई, बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, ऐसे जब भी छोटा छोटा काम करना पड़ता है तो, क्योंकि मैं अपने हाथ से जो काम कर दिखा रहा हूँ और वीडियो के थ्रू, वो मुझे लगता है कि अपने लिए बेस्ट है, क्योंकि दोस्तों मैं अपना जो गाड़ी है उसको बहुत ही प्यार से सजो कर रखता हूँ, और दोस्तों कुछ भी होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने हाथ से मैं इसमें जो इसका दर्द है उस दर्द में इसके साथ में रहूँ। यही चाहता हूँ कि दोस्तों इसका जो दर्द होता होगा घिसने से, वो दर्द दोस्तों खुद महसूस करूँ और मुझे खुद दर्द हो, इसलिए सोच सकते हो भाई कितना मतलब प्यार करता है गाड़ी को, इसलिए मैं दोस्तों खुद रगड़ रहा हूँ ताकि देख रहे हो ना दर्द होगा ना वो दर्द मुझे भी होगा, क्योंकि दोस्तों मुझे मेरे को मेहनत करना पड़ेगा और मैं इसे जितना रगड़ूंगा उतना इसमें फिनिशिंग आएगा, और इसलिए दोस्तों मैं स्पेशली इसमें जो खुरचने वाला काम है फिनिशिंग देने वाला काम है वो कर रहा हूँ। तो देख सकते हो भाई कितना मेहनत कर रहा है भाई, अब अपना ब्लॉक है भाई वो करता है, इतना मेहनत करता है भाई, कम से कम सब्सक्राइब तो कर दो यार, भले लाइक मत दो यार लेकिन कम से कम सब्सक्राइब तो करो यार, अगला आदमी भी तो वीडियो बना रहा है इस वजह से, तुम देखो ना यार उसका गाड़ी खुद का गाड़ी को अपने से कर रहा है यार, तुम समझ सकते हो भाई लोग, अगर जो भी समझता है इस चीज़ को तो भाई सब्सक्राइब करेगा ही ज़रूर। अगर कोई अगर ऐसा आदमी है जो केवल वीडियो देख के वो स्लाइड हाँ स्किप जो भी है स्किप कर देता है, उसको भाई स्किप करने मत बोलिए, पूरा वीडियो देखे उसके बाद में फिर सब्सक्राइब करे यार, कहे कि अगला आदमी को भी सपोर्ट करेगा तब ना यार नया नया ब्लॉग बनाएगा। कमेंट करो उसको ऐसे, इतना कमेंट करो कि आदमी भी सोचे, दिल खुश हो जाए, हाँ दिल खुश हो जाए और करे, ऐसा नहीं है कि मतलब कमेंट करने के बाद में कोई रिप्लाई नहीं ना कोई वो नहीं, भाई करेगा जिस टाइप से बोलोगे उस टाइप से करेगा, लेकिन आदमी को समझना भी ज़रूरी है भाई। देखो यार खुद का गाड़ी कर रहा है यार, दूसरे का गाड़ी रहता है भाई तो भी करता, बात की बात है, लेकिन टिड्डा भाई को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरा इस ब्लॉग में स्पेशली सहयोग प्रदान किया कि वीडियो बना देता हूँ और मैं कुछ दो चार शब्द बोलता हूँ बोला, तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा लगा, टिड्डा भाई को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद, थैंक यू भाई। और लेकिन ना भाई जो इंस्टाग्राम जो मेहनत दोस्तों उसको भी फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप लोग को इसके जो रेगुलर अपडेट है वो मिलेगा।
भाई मैं इतना बस बोलना चाहता हूँ, मेरे को सब्सक्राइब फॉलो कुछ मत करो, लेकिन भाई जो शुरू से मेहनत कर रहा है, आज से नहीं कम से कम 3-4 साल से हो गया है, हम लोग देख रहे हैं भाई को इतना मेहनत करने के बावजूद भी कोई फॉलोअर्स नहीं है ना, वो अच्छा नहीं लगता है। कम से कम फॉलो तो कर दो यार, लाइक मत करो। देख रहे हो भाई का सिनेमेटिक, एक तो ले लेंगे, देख लेना सिनेमेटिक, देख लेना भाई, काहे कि जरूरी है सिनेमेटिक भी देना, काहे कि अगला आदमी भी लगे कि हाँ कि यूट्यूब चैनल है भाई का। हाँ अब सिनेमेटिक नहीं देंगे आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, शॉर्ट वीडियो बना के देंगे तो भाई आपको ख़राब लगेगा, बोलोगे कि नहीं यार सिनेमेटिक नहीं दिए ये वो दुनिया भर का। तो उस हिसाब से आपको बोल रहा हूँ थोड़ा टाइम दीजिए, सिनेमेटिक के लिए अभी नहीं है, तो कृपया करके छोटा मोटा डेंट पेंट होगा वो तो करेंगे भाई, दशरथ भाई तो देख रहे हैं, तो वो सब के लिए आप देखिए कृपया करके। सॉरी यार फॉलो मत कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब तो कीजिए यार, कि अगला आदमी भी जान रहा है यार मेहनत कर रहे हैं भाई, ये सब चीज़ में बहुत मेहनत लगता है जी, एक फॉलोअर्स के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है, तो समझ सकते हो ना कि भाई कितना मेहनत कर रहा है, उसको भी देखना भाई। तो आज के लिए इतना ही, जो भी है देख रहे हो सामने में, जब फाइनल कलर होगा उस समय आपको दिखाएंगे फाइनल व्यू, और वो जो व्यू है भाई लोग भी आ गया है देखने के लिए, देख लो भाई। अब आईफोन तो नहीं है कि जो दिखा सकते हैं हम लोग, नहीं नहीं अपन भी देख लो, शुरुआत किए हैं, देख लो भाई लोग हैं, आए हैं गाड़ी देखने आए हैं, जबरदस्त हो रही है। देखो भाई कुछ नहीं यार, लाइक कुछ नहीं करो, लेकिन सब्सक्राइब तो कर दो यार, लाइक नहीं करना लेकिन भाई को सब्सक्राइब करो, देख लो भाई लोग सपोर्ट करता है भाई लोग, तुम लोग ऐसा करोगे तो फिर वीडियो कैसे चलेगा यार, वीडियो कुछ नहीं चलेगा, वीडियो चलना जरूरी है भाई, आप लोग का कृपया है, जो व्यूज हाँ व्यूज आना चाहिए भाई, और देख के कोई मतलब नहीं है। इसको देखो, इसको फाइनल कलर करेंगे, मॉडिफाइव अभी नहीं हुआ है, एलआईवी लाएगा लगवाएंगे, एलआईवी लाने के बाद में देखना भाई, गाड़ी गाड़ी का पहले सिनेमेटिक एक ले लेता हूँ, उसके बाद में तुम देख लेना, ठीक है ओके बाय। गाड़ी फिलहाल दोस्तों मैं अपना जो गाड़ी का वर्क करना है दोस्तों उसको कर रहा हूँ, लेकिन मैं दोस्तों मेरे को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि दोस्तों इस फील्ड में बोले तो गाड़ी को घिसा पिटी करने वाला काम में मुझे लगता है दोस्तों नया हूँ, और फिलहाल दोस्तों मैं कैसे वर्क कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ इसको स्पेशली टिड्डा भाई की मदद से स्पेशली देखता हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो सुमित कार वॉश सेंटर है वहाँ पर स्पेशली भाई काम करता है, और स्पेशली दोस्तों मुझे बोले भाई ने के थ्रू कि स्पेशली मैं इस वीडियो को बना देता हूँ आपका ब्लॉग को, ताकि आपको अच्छा लगेगा, तो फिलहाल दोस्त बना दें। और इधर पंटर भाई भी है, हाय हेलो बोल दो यार, जो पूरी तरह से भी कलर देने के लिए रेडी करने वाला है, मेन कलर यही करेगा। हाँ ऐसा ये लोग अब कितना मेहनत कर रहा है उसको अब आप ही देख सकते हो, दशरथ भाई के लिए आप सब्सक्राइब लाइक नहीं कर सकते हो तो फिर क्या आदमी हो यार, जसपुर के आदमी हो, कुनकुरी विभाग में रहते हो यार, आदमी लोगों का पहचानना भी जरूरी है भाई लोग, देख रहे हो कितना मेहनत कर रहा है, सामने वाला आदमी को भी सोचना चाहिए। अब इसको फाइनल जब तक नहीं हो पाएगा कलर नहीं तब तक, हाँ कलर का बात हो जाता है। तो जोहार दोस्ती मन, देखा था अपन कुनकुरी वीडियो के तोहरे मन तो देखा था, सामने में देख यार दशरथ भाई है, अपन जो इतना मेहनत करे थे भाई, मैंने मन के फॉलोअर तो कर देवा यार, सब्सक्राइब तो कर देवा यार, लाइक तो कर देवा यार, हमें मैंने इतना वीडियो बनाया थी इतना मेहनत से कम समझना तो चाहिए यार, तो मन के जसपुर में ही कुनकुरी में ही कहीं भी ही भाई मन देख लेवा, इतना मेहनत करी ला हमें मैंने, और बाद में देखबे सामने में गाड़ी जब बढ़िया जब मॉडिफाइड हुई ने तब देखबा गाड़ी मन के, और बाद में बोलबा तो हमने कि हाँ भाई अगला आदमी जरूरी है, नहीं नहीं तुम सामने से देख लो व्यू। फिलहाल तो मेरा हालत हो गया है थोड़ा सा थकावट वाला, और फिलहाल दोस्तों मैं अपनी गाड़ी का वर्क कर ही रहा हूँ, और फिलहाल दोस्तों थोड़ा सा फिनिशिंग वगैरह नहीं दे पाने पे स्पेशली हमारे पेंटर भाई
सजेस्ट कर देते हैं कि यहाँ पर ऐसे करना है करके, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो फिनिशिंग मिलना था फाइनली नहीं मिला था, लेकिन मैं भी मिला दिया दोस्तों, क्योंकि छूने से पूरा यहाँ पर उबड़ खबड़ लग रहा है और यहाँ पर थोड़ा सा उबड़ खबड़ ऐसा मुझे लग रहा है, यहाँ पर घिसना पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों मैं घिस के कंप्लीट कर चुका हूँ और दोस्तों अभी गाड़ी के लिए जाता हूँ दूसरे साइड में, ताकि दोस्तों वहाँ पर फिनिशिंग वगैरह देंगे और दो पुट्टी लगना है दोस्तों, और एक पुट्टी लगेगा उसके बाद पेंट होगा। तो फिलहाल दोस्तों आगे जाता हूँ। क्या जा रहे जी बताओ क्या है? वन के प्राइमर पुट्टी के बाद, मतलब कि जो पुट्टी लगाया है वो इससे छुप जाता है ना। फिलहाल दोस्तों मैं इस वीडियो में स्पेशली मिलाना चाहूँगा जो मेरे गाड़ी को जैसे है वैसे बनाने के लिए, स्पेशली दोस्तों जो भाई का योगदान मिलेगा और उसमें जो कलर चढ़ाएंगे उस भाई से स्पेशली मैं जानकारी लेना चाहूँगा कि मुझे जो काम दिया गया था कि मैं बोला था खुद से कि पुट्टी मुझे काटना है और मुझे स्पेशली जो काम में भरोसा जता के स्पेशली गुलमोहर भाई ने मुझे काम सौंपा था, वो मैं किस हिसाब से काम किया वो अच्छा लगा या नहीं लगा उसको बताया था। भाई गुलमोहर बता दे कि मैं जो काम आप दिए थे उसको मैं अच्छे से किया या नहीं किया? काम में कोई शिकायत नहीं आया भाई, काम को तुम अच्छे से काटे हो, पुट्टी उट्टी काटने में कहीं कोई दिक्कत नहीं था, उसके लिए धन्यवाद दशरथ भाई, पुट्टी काटे आगे का काम हम खुद करेंगे और उसमें कलर जो भी देना है उसको दिखाएंगे, उसको सब दिखाने का काम आपका, क्योंकि जो कलर है गाड़ी का उस कलर को अपने रूप में ढालने का काम है आपका। तो फिलहाल दोस्तों उसके लिए मिलते हैं कल। फिलहाल दोस्तों आज दूसरा दिन और आज दोस्तों जो पुट्टी वगैरह लग रहा है चेक पुट्टी वो लग रहा है और इसके स्पेशली दोस्तों उसके बाद में उसमें जाएगा कलर, जो कलर है वो कलर जाएगा। अभी तो फिलहाल दोस्तों जा रहा चेक पुट्टी। रगड़ा गया था हल्का। फिलहाल दोस्तों आज दूसरा दिन और दोस्तों आज जो पुट्टी चेक पुट्टी डालना था वो डाल चुके हैं और मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। और फिलहाल दोस्तों जो हमारे गुलमोहर भाई आप लोग को एक सजेशन देना चाहते हैं थोड़ा सा भाई कि क्या है सिचुएशन, क्योंकि हर बंदा या हर बंदी जो भी आता है आपके पास वो हमेशा हड़बड़ी में ही रहता है। जल्दीबाजी में कि मेरा काम जल्दी कर दीजिए, जल्दी कर दो और जल्दी काम शैतान का होता है, ये बात तो आप लोग जान लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप जल्दी काम करेंगे तो अच्छे से काम नहीं होगा और समय दे के काम करेंगे तो फिनिशिंग दोस्तों अच्छे से मिलेगा, जितना समय देगा उतना अच्छा काम होगा। और जो भी भाई स्पेशली डेंटिंग पेंटिंग कराते हैं वो समय देंगे तो उनका गाड़ी स्पेशल रंग रूप में आ जाएंगे, सही बात है ना भाई? हाँ। और जो आपको चाहिए कलर वो कलर वाकई मिलेगा और हड़बड़ी में रहेंगे दोस्तों तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ 19 पीस होता है वो ये लास्ट सीन होगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों आप लोग जब भी डेंटिंग पेंटिंग लाइए और समय दीजिए गुलमोहर भाई को स्पेशली, क्योंकि दोस्तों गुलमोहर भाई का हाथ जब पड़ता है इस मखमल सा बॉडी में तो दोस्तों
इस बॉडी में अलग से एक एहसास होता है, जैसे मुझे हो रहा है। ये दोस्तों ये हाथ इसमें मल रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है मेरे त्वचा भी मल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मेरी गाड़ी है तो मेरे को एहसास हो रहा है और मैं आप लोग बता रहा हूँ और शेयर भी कर रहा हूँ। तो फिलहाल दोस्तों इसमें जब कलर चढ़ेगा उसको दिखाता हूँ। फिलहाल दोस्तों अभी फाइनली हमने अपना कार को जो कलर देना था वो फाइनली गर्म कलर दे चुका दिया जा भी रहा है। फिलहाल दोस्तों देखिए व्हाइट कलर हुआ था दोस्तों पुट्टी करने टाइम, और फिलहाल दोस्तों अभी जो है फाइनल कलर चढ़ रहा है। फिलहाल दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जब मैं अपने गाड़ी का काम कराया दोस्तों, तब तो आप दोस्तों आप लोगों को लगभग दिखाया कि मैंने गाड़ी का किस हिसाब से काम कराया और कितना मेहनत किया और अपने गाड़ी को जो कलर देना था वो कलर दिया, क्योंकि दोस्तों उतना ही करने में मेरा दिमाग खराब हो गया दोस्तों, क्योंकि पहली बार काम किया था। और फिलहाल दोस्तों वो एक्सपीरियंस बहुत ही स्पेशल था, क्योंकि दोस्तों मेरी गाड़ी को स्पेशली वर्क करना था स्पेशली दोस्तों, तो मुझे अच्छा लगा। तो फिलहाल दोस्तों मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। और दोस्तों और एक बात जो आप लोग को बता देना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप लोग को डेंटिंग बेंटिंग का काम करना है तो दोस्तों कुलमोहर भाई के पास समय दीजिएगा दोस्तों, तो जो रिजल्ट है दोस्तों औसम आने वाला है। तो प्लीज़ दोस्तों आप गुलमोहर भाई के पास जब भी गाड़ी लेकर आए तो कृपया करके दोस्तों उनको समय दीजिए, ताकि वो आपकी गाड़ी का दोस्तों जो रंग रूप आपको चाहिए वो रंग रूप देंगे। तो फिलहाल दोस्तों अब मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। आज तक करता हूँ दोस्तों मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।